I'm chalane jaa raha hai. How I know, I smiled at him and said, you told me so fine. प्रीमियम लुक देती है बाइक, और मैं आपको इसका पावर बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, इसका पूरा रिव्यू दूंगा आपको, और साथ ही साथ मैंने पहला देखा कि 250 सीसी बाइक में ना लिक्विड कूल है ना वाटर कूल इंजन, तो काफ़ी अच्छी बाइक है। तो गाइस बात करते हैं इस गाड़ी की पावर। तो इस गाड़ी का पावर है 249 सीसी इंजन है इसका, और ये पावर प्रोड्यूस करती है 26.5 PS एट 9000 RPM, और इस बाइक का टॉर्क है 22.6 Nm एट 750 RPM का इसका टॉर्क है। माइलेज की बात करें तो इस बाइक का माइलेज है, कंपनी क्लेम कर रही है 38.5 KMPL, और इस बाइक की ब्रेकिंग है इसका डुअल डिस्क विथ डुअल चैनल ABS, तो काफ़ी अच्छा है बाइक का पावर के हिसाब से, काफ़ी अच्छा इसने ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, डुअल चैनल ABS दिया है। और फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इस बाइक का फ्यूल टैंक है 12 लीटर्स का, तो आपको अगर लॉन्ग ट्रैवल करना है, जैसे आपको टूर करना है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है बाइक है, आप इससे टूर भी कर सकते हो, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक बड़ा है तो दिक्कत नहीं जाएगी आपको। और 7 पॉइंट इसका है, इसका डिजिटल कंसोल मीटर भी अच्छा है, और इस गाड़ी का ओवरऑल लुक भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश है, मेरे को तो अच्छी लगी है बाइक। अब आप भी अगर टेस्ट राइड करोगे गाइस तो देखो, शायद आपको भी अच्छी लगे, और गाड़ी का पावर रबर सब अच्छा है, पावर डिलीवरी भी अच्छा है, गाड़ी दिखने में भी अच्छी है। और साथ ही साथ एक चीज़ और है इस बाइक में कि प्राइस CVR से भी कम है, CVR अबव 2 लाख जाती है, ये अंडर 2 लाख है, मतलब 1000 का अंतर है, 1,99,000 ऑन रोड प्राइस इन जबलपुर मध्य प्रदेश। और सिटिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, पिलियन भी अच्छा है, पिलियन सिटिंग भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, बाइक की सॉरी। और साथ ही साथ अभी मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाता हूँ सामने का, वो कैसा है दिखने में, कैसी है बाइक, मतलब इसमें फुल LED लाइट भी दी है, टेल लाइट भी अच्छी इसकी, थोड़ा अलग निकाला सुजुकी ने इस बार टेल लाइट, तो आप देख सकते हैं इसको, मैं आगे से आपको दिखाता हूँ फ्रंट से। तो ये बाइक फ्रंट से भी काफ़ी अच्छी है, इसकी LED लाइट इसको और अच्छा बनाती है दिखने में, लुक्स में। तो अगर आपको बाइक अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको एक बार टेस्ट राइड ज़रूर ले जाके, तो आपको भी आई होप अच्छी लगे। और इस बाइक में फ्रंट टायर है 110 सेक्शन का, और रियर टायर है 150 सेक्शन का, जो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, चलते हैं अगली वीडियो बनाएंगे जब, तो आप जरूर अगली वीडियो।